मैं डॉक्टर एन राम, मैं डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक अफसर यहाँ हूँ। यहाँ इसकी ये है कि यहाँ के लोग का कर्मचारी काम नहीं करते थे, ड्यूटी नहीं करते थे, बिना ड्यूटी किए वेतन लेते थे। मेरे आने के बाद इन लोगों को ड्यूटी करनी पड़ी, कुछ जो काम करने लायक थे तो किए, जो नहीं करने वाले थे वो घूम करके बगावत करते रहे। और वो इस बात पड़े हुए थे कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे, वेतन लेंगे। हमने वेतन उनका नहीं दिया। घटना के समय मैं ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था, दो तीन नकाबपोश मुँह वो ढके हुए लोग गए हैं, मेरे मेज की तरफ बढ़े हैं। तो मैं सोचा हूँ क्या बात है, मैंने पूछा हूँ कि क्या बेटे क्या काम है। तब तक कहें कि हमारी आसाना, अब इसके बाद यही कह के मारने लगे मुझे। तो मैं तब तक मैं कहाँ हूँ कि कर्मचारी से जल्दी 100 नंबर पर फ़ोन करो या तो कोतवाली पुलिस को बताओ बुलाओ। तब तक वो लोग जो है मुझे सलाह तान दिए हैं कि मार डालेंगे साले से। मैं तीन तो देख रहा था और भी पता लग रहा है कि एक कर्मचारी को सटा के बाहर गैलरी में खड़ा दबे हुए थे, कोई बाहर खड़ा था। और इस तरह से मेरी संख्या में 4-5 रहे होंगे कम से कम सलाहकारी। तीन मार रहे थे। एक लंबा था व्यक्ति, वो मेरे पीछे वही सलाह लेकर मुझे ताना था। शायद हम देहाती लड़के टाइप के थे, कोई बहुत सब गया, बहुत उच्च शिक्षा वाले नहीं दिखाई दे रहे थे। कोई जो फार्मासिस्ट बिने है वही ललकार के मरवा रहा था। तो उसके बाद तो वो के जाते समय ये कहे हैं कि ये विनय राय का और हरे राम का काम तो कर देना, विनय राय के नाम, विनय कुमार राय के नाम से दिया है। ये लगभग 3:45 की बात है, यहाँ जिला अस्पताल में जिला होम्योपैथी का ये कार्यालय है। यहाँ पर जो होम्योपैथी के हमारे डॉक्टर साहब हैं वो यहाँ बैठे हुए थे, एक मीटिंग चल रही थी। उसी दौरान उनके होम्योपैथी ऑफिस में ही काम करने वाले एक फार्मासिस्ट, जो जिनके विरुद्ध डॉक्टर साहब ने कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी थी जिसकी वजह से उनका वेतन रोका गया था, वो आए और अपनी सर्विस बुक मांगने लगे, जिसको लेकर वाद विवाद हुआ है। उस वाद विवाद के बाद उसमें झगड़ा हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है। डॉक्टर साहब से तहरीर प्राप्त की जा रही है, इसमें संबंधित के विरुद्ध तत्काल अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि सर कनपट्टी पर कट्टा सटा के लोग चिकित्सक को पीट रहे थे। चूंकि वो व्यक्ति यहीं का है, ये जो डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया है, तो इसको और गहराई से हम छानबीन कर रहे हैं। जो भी पूरा घटनाक्रम है उसके आधार पर तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आरोपी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है।